हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम और आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 का यूनिट टेस्ट 2 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन। डेफिनेटली यार, ये क्वेश्चन करने के बाद आपको लगेगा कि आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएंगे और एग्जाम के लिए जो डर होता है ना, डर 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 खत्म हो जाएगा। शुरू करते हैं। पूरा जो सॉल्यूशन यहाँ पे मैं दूंगा ना आपको, पूरा सॉल्यूशन हैंड रिटन होगा। कैसा होगा? हैंड रिटन। अगर आप सॉल्यूशन देखोगे फैन हो जाओगे। लेट्स बिगिन। धीरे धीरे प्यार से इस पूरे क्वेश्चन पेपर का हम लोग डिस्कशन करना यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, आपको यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन दे रखा 3x + 5y = 9 और 5x + 3y = 7 और आपको निकालना है x + y। क्या फाइंड आउट करना है? x + y। एक ध्यान रखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए सिंपली आप दोनों इक्वेशन को ऐड करो। सिंपली क्या करो? ऐड करो, क्योंकि आपको x प्लस वाई निकालना है ना। तो सिंपली मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया। पहला वाला जो 3x + 5y = 9 था ऊपर लिखा और दूसरा वाला 5x + 3y = 7 नीचे लिखा, सिंपली ऐड कर दिया। अब बताओ 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8y और 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। अब इन दोनों में देखो 8 क्या है, 8 आ जाएगा कॉमन। लो ले लिया मैंने यहाँ पे कॉमन और अंदर बचेगा x + y। अब यहाँ पे देखो x क्या, 8 क्या है यहाँ पे x + y के साथ में सर मल्टीप्लीकेशन में है, तो 8 को यहाँ पे लेके आज के कर लो, क्या डिवीजन में आ जाएगा? क्या आ जाएगा यहाँ पे? डिवीजन में। अब मुझे बताओ 16 / 8 कितना होगा? वो हो जाएगा 2। तो यहाँ पे मुझे x + y का वैल्यू कितना मिल गया? 2। कितना मिल गया? 2। अगर आपके आंसर मेरे आंसर से पहले आ रहे ना, कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो, ठीक है, तो बंदा पता चलेगा भाई सही चल रहा है अभी तक आपका, ठीक है। आगे बढ़ते फटाफट। अभी देखो जिसने ये पेपर, जिसको भी ये पेपर आया होगा ना, वो बंदा पक्का बोल रहा हूँ फर्स्ट स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि इसने देखो पूरा क्रॉस क्रॉस करके रखा। मैं भी स्कूल के टीचर ने भी करवाया हो हटाने के लिए क्वेश्चन को, बट अपन को तो पहले इतनी अच्छी तैयारी करके जाने कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए डर थोड़ा भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अपने पास इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर को कुछ भी लिखते बैठे। यहाँ पे देखो 6:5 = y = 20 दे रखा है एंड देन वैल्यू ऑफ द y फाइंड करना है। तो आपको नॉर्मली क्या करना पड़ेगा, दोनों को 6:5 मतलब 6/5 लिख दिया, y = 20 मतलब y/20 लिख दिया। अब यहाँ पे 20 देखो डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके हो जाएगा 6 के साथ मल्टीप्लाई, ये तो पता होगा आपको 6 × 20/5। अब क्या होता है ना, मैं यहाँ पे मैंने आंसर क्यों नहीं किया पता, यहाँ पे कुछ बताना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 6 × 20 करेंगे और फिर जाके 5 से डिवाइड करेंगे। हम क्रिस्टल कॉन्सेप्ट वाले या हम क्रिस्टलियन ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे देखो, ध्यान दो, 5 1 और 5 4 20 पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। अब मुझे बताओ 6 यहाँ पे कितना बचा? 4। 6 × 4 कितना हो जाएगा? 24। आ गया बात समझ में? तो हम इस तरीके से करेंगे, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 24। आगे बढ़ते, अजय इज अ यंगर देन विजय, मतलब जो अजय है ना विजय से बड़ा है, तो मान लो थोड़ी देर तक, सॉरी, अजय इज अ यंगर देन विजय मतलब क्या हुआ, अजय विजय से छोटा है। यंगर मतलब अजय क्या है? छोटा है, किससे? विजय से। तो यहाँ पे हम अजय की एज क्या कंसिडर करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम अजय की एज थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर देते ए और विजय की एज कंसिडर करते बी। यहाँ तक समझा? अब कौन बड़ा भाई? विजय बड़ा है, किससे? अजय से। कितने उम्र से? 5 साल से। तो हम बोलेंगे कि सर विजय के एज में से अजय की एज को अगर आप माइनस करोगे कितना आना चाहिए? 5। ऑब्वियसली यार विजय 5 साल बड़ा है तो माइनस करके 5 आना चाहिए। और आगे आपको लिखा देखा लिख के रखा है कि सम ऑफ देयर एजेस, उनके एज का जो सम दे रखा है 25 दे रखा है, मतलब दोनों के एज का सम मतलब b + a = 25। अब सिंपल है, दोनों इक्वेशन में देखो माइनस ए और प्लस ए दिखा है, मतलब यहाँ पे ए गायब हो जाएगा नॉर्मली आप अगर ऐड करोगे तो भी। तो यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशन को देखो क्या कर दिया, नॉर्मली ऐड कर दिया, दिख रहा है आपको b + b कितना हो जाएगा? 2b और यहाँ पे माइनस ए और प्लस ए क्या हो जाएगा? कैंसल। और 5 + 20 कितना हो जाएगा? देखो 5 + 20 हो जाएगा 30। यहाँ तक समझा? 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड और b = आ गया 50। 30 / 2 कितना आ जाएगा? 15। विजय का एज कितना आ गया अपना? 15, क्योंकि विजय के एज को हमने b मान के रखा था। अब मुझे बताओ अजय की एज निकालने के लिए दोनों में से जो भी आपका फेवरेट इक्वेशन है लिख दो। मैंने सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला यहाँ पे लिखा, वहां पे मैंने बी का वैल्यू देखो, बी का वैल्यू मैंने कितना पुट किया? बी का वैल्यू मैंने 15 पुट किया, क्योंकि बी का वैल्यू 15 मिल चुका है, विजय का एज मिल चुका।
बी का वैल्यू जो 15 है इधर आके इधर प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो देखो यहाँ पे माइनस हो गया। 25 में से 15 गया तो कितना बचा, 25 में से 15 गया तो कितना बचा, वो हो गई हमारे ए की वैल्यू, और ए का मतलब किसका एज था, अजय का, दोनों का एज मिल गया। तो अब आपका काम है कि कमेंट सेक्शन में टाइप करना है कि 25 में से 15 गया तो कितना होगा। मुझे पता आप सभी को आता है, लेकिन इससे ये पता चल जाएगा कि आप लोग वीडियो के इस सेशन तक पहुंच चुके हो, ठीक है ना, तो जरूर कमेंट करना। हो गया हमारे चारों क्वेश्चन, आगे बढ़ता सिक्स्थ फोर्थ वाला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 5। मतलब ये देखो, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 और 25 निकालना है। एक बात ध्यान रखो, मान लो आपको दो वैल्यू दे रखी है, ए और बी, बराबर, इसका आपको फाइंड आउट करना है मीन प्रोपोर्शन। क्या फाइंड आउट करना है, मीन प्रोपोर्शन कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। ए और बी को आपको दोनों को रखना है रूट के अंदर, ए और बी को दोनों को किसमें डाल दिया, रूट के अंदर, और दोनों को कर लिया रूट के अंदर मल्टीप्लाई, इसी को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। तो मैंने देखो यहाँ पे ए और बी को रूट के अंदर डाला, हाँ डाला, और उन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कर दिया, ये हो गया हमारा ए और बी का मीन प्रोपोर्शन। ए का वैल्यू कितना है 4 और बी का वैल्यू कितना है 25, 4 × 25 100, 100 का रूट कितना होता है 10, तो दिस इज मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 5। तो कितना आ गया हमारा आंसर, 10 आ गया। तो जो भी हमारे ऑप्शन आ रहे हैं उसको आप क्लिक करते जाओ, यहाँ पे राइट करते जाओ, बात समझ में आ गई आपको। जैसा कि यहाँ पे देखो आपको y का वैल्यू पूछा था, y का वैल्यू कितना आया था अपना, अपना y का वैल्यू आया था 24, तो ये अपना ऑप्शन नंबर बी, तो आप लोग कर लेना। आ गया, क्लियर है पक्का, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस, यहाँ पे देखो आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं फटाफट, और इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। पहला बी में एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज रेशियो इन रिड्यूस फॉर्म, सिंप्लीफाई करके रखना है। तो यहाँ पे देखो 75:100 मैंने रेशियो के फॉर्म में लिखा, 75 और 100 एक साथ में कौन से नंबर से डिवाइड होते हैं, 25 से, वेरी गुड। तो 75 डिवाइड बाय 25 कर दिया मैंने, तो कितना मिला सर, 3 मिला, ओहो, 100 डिवाइड बाय 25 कर दिया कितना मिला, 4 मिला, ले भैया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा आंसर आया 3/4, करेक्ट है। आगे क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला देखो यहाँ पे, By using variable x and y, form a linear equation in two variables. आपको यहाँ पे 5 linear equation बनाने, कितने बनाने हैं, 5 linear equation with the help of x और y. तो आप यहाँ पे देखो ना, पहला तो मैंने यहाँ पे आपके लिए बना के रखा, देखो 3x + y = 7, जो भी मन चाहे आप बनाओ, बीच में प्लस डालो, इधर x और इधर y होना चाहिए, x y के आगे जो लगाना है वो लगाओ। दूसरा क्या बना के रखा मैंने देखो, x - y = 2, ऐसे आप और अनगिनत बना सकते हो, x प्लस जो भी मन चाहे 7y = 5, और आप तो अभी 2-3 मैंने बना दिए, अभी 2 आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करने आ गया, थोड़ा बहुत तो होमवर्क भी मिलना चाहिए यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी। यहाँ पे ध्यान देना, कितना दे रखा फर्स्ट क्वांटिटी सर, 5 लीटर, सेकंड क्वांटिटी सर 2500 ml, क्या फर्क है सर, यूनिट का, भैया क्या फर्क है, यूनिट का, यहाँ पे लीटर है, यहाँ पे क्या है लीटर, और यहाँ पे क्या है ml, ना चाल बे, लीटर तो लीटर चाहिए, ml तो ml चाहिए, तो एक काम करो ना, एक काम करो, 5 लीटर को ml में कन्वर्ट करो, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, और 5 × 1000 हो जाएगा 5000, समझ लगा तुम्हारा, 5 × 1000 कितनी होना, 1000, 5 × 1000 कितनी होना, 5000। आई होप सो आप सभी को समझ रहा होगा, आणि मराठी मित्रांनो तुम्हाला सांगतो तुम्हाला सगळ्यांना समजत असेल, ठीक आहे, पुढे जाऊया आता, भेटला आपल्याला। तो पहिला 5 का हो गया सर, 5 लीटर को हम लोग अभी 5000 लीटर, 5000 ml लिखेंगे, और 2500 ml को हम 2500 ml लिखेंगे, दोनों का अभी रेशियो ले लेंगे। सर क्या दोनों का यूनिट सेम है, हाँ, क्या है ml, कट 0 से 0 कट, ऊपर क्या बचा 50, नीचे क्या बचा 25, 50 किससे डिवाइड होगा सर 25 से, तो 25 × 50, तो आंसर आ गया हमारा 2:1, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्या सीखने मिला, ऐसे क्वेश्चन में पहले आप यूनिट सेम करो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपेयर करना यार, यहाँ पे क्या कंपेयर करें बताओ मुझे, कंपेयर करने के लिए पहले आप 1 × 5 कर लो, कितना कर लो सर, 1 × 5 कर ले, सॉरी 121 × 5, तो 121 × 5 किया तो आंसर कितना आया 605,
आ गया। अब आपको करना है 18 इंटू फाइव, तो 18 इंटू क्या बोल रहा है 18 इंटू 17, तो 18 इंटू 17 क्या, तो आंसर कितना आ गया 306। मुझे बताओ कौन बड़ा आया? सर पहले वाला बड़ा आया 605, मतलब पहला जो मैंने मल्टीप्लीकेशन किया ना, इसका मतलब 605 बड़ा आया है सबसे पहला वाला, तो ऑब्वियसली 5/18 बड़ा हो जाएगा। इधर वाला बड़ा आया तो इधर वाला बड़ा, इधर वाला बड़ा आया तो इधर वाला बड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, कौन सा बड़ा आया पता करने का, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। आ गया समझ में आपको? तो आप यहाँ पे ब्रैकेट भर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन अपन ने नहीं दिया, अपन सॉल्व करेंगे ना, नहीं ये तो क्या हुआ। आगे 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 बढ़ते चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये लो, दोनों को आपको यहाँ पे दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखो मैंने दोनों को लिख दिया, अब यहाँ पे देखो प्लस वाई और माइनस वाई है, नॉर्मल इसको ऐड कर लेंगे हम लोग। कर लिया सर, वाई से वाई हो गया, देखो कट 2x + 3x, मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट में गंदगी करके लिखी, चलो लिख लेते हैं 2x + 3x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5x, वाह वाह वाह, इक्वल टू सामने क्या आएगा 5y कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10। यहाँ तक समझ में आ गया? यस। आगे बढ़ते हैं, अभी मुझे बताओ x का वैल्यू कितना आ गया? सर वो 5x = 10 आया था, तो 10 से हम 10 को डिवाइड कर देंगे हम 5 से, 10 ऊपर है और नीचे क्या बचेगा यहाँ पे 5, 10 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया, ये आ गया हमारा 2 जो देखे रखा। अब x = 2 हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे मुझे बताओ 4 इधर प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 में से यहाँ पे हमने क्या कर दिया 4 को माइनस कर दिया और y का वैल्यू कितना आ गया 1, सिंपल आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमल्टेनियसली आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, हाँ जी कर लेंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे x के आगे क्या लगा है, x के आगे लगा हुआ है 3 और यहाँ पे x के आगे क्या लगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब क्या लगा हुआ है सर 1। तो सर सेकेंड वाले इक्वेशन में x के आगे 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर लो फटाफट, 3 × x 3x, 3 × -3 -9y, 3 × 8 24। अब ये बना इक्वेशन 1 और ये आपका हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों को आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे मुझे बताओ क्या कैंसल होगा, यहाँ पे कैंसल होगा x, क्योंकि देखो x के आगे यहाँ पे भी 3 लिखा और x के आगे यहाँ पे भी क्या लगा हुआ 3 लगा हुआ है, तो नॉर्मली आप सब्ट्रैक्ट कर लो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 पहले ऊपर लिख दो और इक्वेशन 1 नीचे लिख दो, सब्ट्रैक्ट करना मतलब माइनस करना है, तो ये देखो ये माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, सब्ट्रैक्ट करते समय साइन बदल जाता है और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, 3x से 3x कट हो गया, इसीलिए तो हमने सब्ट्रैक्ट किया ना, कट करना था ना, -9 और +9। अब इस वाले साइन पे फोकस करना है, इस वाले साइन को आपको अब भूल जाना, ये पुराना हो गया, -9 और +9 -4y, 24 में से 16 गया 8, -4 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 8 / -4 हो गया -2। क्या बोलती है पब्लिक, y का वैल्यू आ गया -2, बहुत बढ़िया। कोई भी इक्वेशन उठा के लिख लो, 3x - 5y = 16 मैंने उठा के लिख दिया, सर x का y का वैल्यू हमें मिला था -2, यहाँ पे पुट कर दिया, देखो कर दिया -5 × -2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सर -+10 इक्वल टू इधर आपके आ जाएगा -10, सर 16 में से 10 गया तो कितना बचा 6 बचा, 3 इधर है इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 6 / 3 हो गया 2, x का वैल्यू आ गया 2, सिंपल। इसी तरीके से आपको उनको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी गुड, ये क्वेश्चन मेरा पर्सनली फेवरेट है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दो अच्छे से, 3 persons कैन बिल्ड स्मॉल हाउस इन 8 days, 3 लोग एक घर बना रहे 8 दिन में, टू बिल्ड सेम हाउस, सेम घर बनाने के लिए आपको सेम घर कितने दिन में बनाना है, 6 दिन में, तो कितने लोग लगेंगे, डेज क्या कर दिए कम। अब मुझे बताओ, मान लो कि जो भी नंबर ऑफ पर्सन आपको घर बनाने के लिए चाह रहे हैं उनको हमने ए मान लिया, और जो भी बिल्डिंग आप बना रहे हो उसके लिए लगने वाले डेज को हमने क्या मान लिया, लगने वाले डेज को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। बात समझ में आया? अब मुझे बताओ, अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाता हूँ, अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाता हूँ तो नंबर ऑफ डेज क्या लगेंगे, कम लगेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना, अगर मैं लोगों को बढ़ाता हूँ तो वही घर बनाने में कम समय लगेगा। इससे हमें क्या समझ में आया कि सर नंबर ऑफ पर्सन, भैया नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ डेज बोथ आर इनवर्स वेरिएशन, मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इनवर्स वेरिएशन का मतलब समझा, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, तो यहाँ पे ये जो सवाल दिया हुआ इनवर्स वेरिएशन का दिया। अब मुझे बताओ
इनवर्स वेरिएशन जब होता है तब वो दोनों क्वांटिटी का क्या कांस्टेंट होता है, मल्टीप्लीकेशन। मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन है और नंबर ऑफ डेज है उसका मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, भले ए और बी का वैल्यू कुछ भी हो, जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब मैंने बोल दिया कि बोथ आर इनवर्स वेरिएशन, सो वी कैन से दैट ए इनटू बी इज ऑलवेज रिमेन द कांस्टेंट। आ गया, अब मैं लिखूंगा अगर ए इनटू बी कांस्टेंट है तो मैं लिखूंगा ए वन इनटू बी वन, ए टू इनटू बी टू। ए वन बी वन का वैल्यू कुछ भी हो लेकिन उसका मल्टीप्लीकेशन सेम आएगा। चलो ए का वैल्यू कितना है, तीन। पहले कितने दिन लग रहे थे भैया, पहले तीन दो लोग लग रहे थे, कितने लोग लग रहे थे, तीन लोग। घर बनाने के लिए कितना दिन लग रहा था, आठ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया देखो थ्री इंटू एट, यहाँ तक समझ में आ गया, वेरी गुड। दूसरे में हमें नंबर ऑफ पर्सन कितने नहीं पता लेकिन नंबर ऑफ दिन कितने लगने चाहिए थे, छे, तो लिख दिए छे। अब सिक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब मैंने बताया था डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मत करो, इसको नॉर्मली सॉल्व करो पहले, डायरेक्ट चलो कर लो। एट थ्री कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 थ्री हो गया यहाँ पे आपका 24, और यहाँ पे नीचे कितना आ गया 6, और इसको हमने क्या बोला रखा है A2, नंबर ऑफ डेज जो लगेंगे उसको हमने क्या बोला रखा है, नंबर ऑफ पर्सन को क्या बोला रखा हमने, A, तो A2 हो गया। अब 24 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड बाय 6 हो गया आपका 4। तो कितने लोग लगेंगे आपको 6 दिन में, अगर आपको घर बनाना है तो आपको 4 लोग लगेंगे, और अगर आपको वही घर 8 दिन में बनाना था कितने लोग लग रहे थे, 3 लोग लग रहे थे। बात समझ में आ गया, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं भैया, पहले इसको खूबसूरत बना दिया जाए। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, यहाँ पे नीचे मैसेज लिख क्या रहा है, चेकआउट डिस्क्रिप्शन फॉर द मोर वीडियोस, एंड आपको जो नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर या टेलीग्राम का जो लिंक दिया है उससे ज्वाइन कर लो अपने आप को। तो अपन क्या करेंगे ना, एग्जाम के दिन या एग्जाम के पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे मिल के, यूट्यूब पे डाल लूंगा, लेकिन मैं पहले आपको बता दूंगा भाई इतने बजे वीडियो आ जाएगा तो आप रेडी रहोगे, आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा, बार बार चैनल पे आके चेक नहीं करना पड़ेगा कि वीडियो डाला कि नहीं डाला, डाला कि नहीं डाला, डाला कि नहीं डाला। सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबा दो, तो वो तो आपके ऊपर है, दबाओ मत दबाओ, देखते रहो, पढ़ते रहो, मार्क्स लाते रहो, ठीक है ना, बाकी काम सही चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखो क्या दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, ये वाला आपको यहाँ पे दो इक्वेशन बहुत बढ़िया से देखो, यहाँ पे थर्ड वाला 5m minus n = 3m plus 4n और आपको इसका वैल्यू निकालना। देखो कैसा निकालेंगे, धीरे धीरे मेरे साथ में करना, धीरे धीरे मेरे साथ में करना है, आपको इसका वैल्यू निकालना। कैसे करेंगे, पहले जो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको ये इक्वेशन दे रखा है इस पे फोकस करो, यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा है वो सेम उठा के मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया। हाँ जी सर, दिख गया भैया, दिख गया मेरे को, वेरी गुड। अब यहाँ पे पति पत्नी को साथ में लो, यहाँ पे प्लस 3m है, इधर आके क्या हो जाएगा सर, -3m ले आ गया। यहाँ पे -n है, इधर आके क्या हो गया, प्लस n आ गया। लो पति पत्नी साथ में आ गए, एन एन एमएम साथ में आ गया। सर 5m में से 3m गया तो कितना m बचा, 2m। 4n plus n कितना हो गया, 5n, वेरी गुड। यहाँ पे m को इधर रहने दो, n इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा ये देखो डिवाइड, तो m अपॉन n हो गया। और यहाँ पे ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई में है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये हो गया 5/2। तो इससे क्या समझ में आया, इससे एक बात समझ में आई हमें कि मेहनत करना है, मेहनत तो करना है, इसे एक बार समझ में आ गए कि m अपॉन n का जो वैल्यू है वो आ गया हमारा 5/2 आ गया। अब जब रेशियो में रहता है ना तो पीछे अगर आप कुछ भी लगा दो सेम नंबर तो फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं एग्जैक्ट m का वैल्यू पूछूंगा तो मैं उसको लिख दूंगा m इज इक्वल टू 5x, 5 के पीछे x लगाया, उसी तरीके से आपको इस 2 के पीछे भी क्या लगाना है, आपको 2 के पीछे x लगाना है, तो n का भी वैल्यू हो गया आपका 2x, तो m का वैल्यू 5x, n का वैल्यू 2x, यहां तक समझा। अब मुझे बताओ आपको क्वेश्चन में इसका वैल्यू निकालना है, तो ये सेम टू सेम उठा के आप यहाँ पे लिख दो, लिख दिया, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। सर m का वैल्यू कितना था, सर m का वैल्यू 5x जो हमने यहाँ पे देखो निकाल के रखा, हमने खुद ने बना के रखा है। सर n का वैल्यू कितना था, 2x। अब मुझे बताओ सारे जगह को पुट कर दिया वैल्यू m और n के जगह पे, अब मुझे बताओ यहाँ पे 3 × 5 कितना होता है, 15, लो ये आ गया अपना 15। 4 × 2 कितना होता है, 8, तो ये लो अपना आ गया यहाँ पे 8, आया कि नहीं आया। 3 × 5 कितना होता है, 15, लो ये 15 आ गया, सही है। अब यहाँ पे देखो 4 × 2 कितना होता है, 4 × 2 होता है 8, आ गया कि नहीं आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे 15 बार x और 8 बार x कितना हो जाएगा सर, 23 बार x, हो गया कि नहीं हो गया। 15 में x में से 8x गया तो कितना बचा, 7x बचा। सर x से x कट हो गया, आंसर आ गया 23/7। बढ़िया, चलो भैया
आगे कहाँ बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, और भी सवाल है अपने पास, और भी सवाल है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। अभी मैंने दो सॉल्व करके दिए थे आपके लिए चैलेंज है, इसका सॉल्व करके दावा करता हूँ रिप्लाई पक्का मिलेगा आप लोग को। लेकिन जो लोग इसका एक्स और वाई का वैल्यू बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, फिफ्थ वाला, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज 5/9। पहले मान लो अल्बर्ट का एज ए मान लो, सलीम का एज एस मान लो, और उन दोनों के एज का जो रेशो दे रखा है कितना दे रखा है, 5:9। अभी मैंने बताया रेशो दे रखा है, पीछे एक्स लगा के सामने सामने भी लिख दो, तो सर ए का वैल्यू हो गया 5x, ये हो गया मेरे अल्बर्ट का एज, और एस का वैल्यू हो गया 9x, ये मेरा हो गया सलीम का एज। अब समझ में आ गया आपको, आगे दे रखा है, देखो ध्यान दो, वापस क्वेश्चन पे आ जाओ, 5 years hence the ratio of their ages is, 5 साल के बाद, 5 years के बाद उनका एज का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/5, कितना हो जाएगा, 3/5। तो मुझे एक बात बताओ, 5 साल के बाद अल्बर्ट का जो एज था 5x, उसमें 5 मिल जाएगा, हाँ भाई 5 से तो बढ़ जाएगा ना, और जो अपने सलीम भैया का एज था 9x, उसमें भी 5 बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं ना कि भाई सलीम जो इतना 5 साल में बड़ा हुआ है उससे अल्बर्ट ज्यादा बड़ा हुआ, ऐसा तो नहीं होगा, दोनों 5 ही साल से बड़े होंगे 5 साल के में, तो दोनों के एज में अगर हम 5-5 को क्या करेंगे मिला देंगे, तो उनके जो एज का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3/5 हो गया। लो अब क्या करना है, इसको सिंपली आपको यहाँ पे सॉल्व करना, क्या करना है, अब देखो ये 5 को कर दो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, इस पूरे के साथ, और इस 3 को कर दो इधर मल्टीप्लाई, कर लिया। अब देखो ये 5 into ये पूरा ब्रैकेट लिख दिया और ये 3 into पूरा ब्रैकेट लिख दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद अंदर 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, आपको कुछ ऐसा मिलेगा, अरे मिल गया क्या, हाँ जी। फिर आप क्या करोगे, 15 को देखो +15 इधर आके हो जाएगा -15, यहाँ पे 25x इधर आके हो जाएगा -25x, 27x में से 25x गया तो कितना x बचा, 2x बचा, और 25 में से 15 गया कितना बचा, 10 बचा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 10/2 हो जाएगा 5x का वैल्यू मिल गया 5। इतना तो आप कर ही लोगे यार, इतना कैलकुलेशन तो आता है आप लोगों को, इतना मैं मान के चलता हूँ, वी आर क्रिस्टलियन, इतना तो आता है। चलो a का वैल्यू कितना है, 5x है, तो a का वैल्यू 5x है, और x का वैल्यू कितना आया सर, 5 आया, पुट करो, 5 5 आ गया 25, सर a का वैल्यू 25 आया, a किसका एज था सर, a था अल्बर्ट का एज, मतलब हमें अल्बर्ट का एज मिल चुका है 25, स्वाहा आ, 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 मिला। फिर उसी तरीके s इज इक्वल टू 9x, सलीम का x था, x का वैल्यू 5 पुट कर दिया, 45, सलीम का एज आ गया 45, आया मजा। इस तरीके से हमने पूरा 20 मार्क्स का सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया है। अगर आप लोग यहाँ तक, मतलब सुनो, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो के एंड तक पहुंचे हो, तो इसका पता करने का मेरे पास तरीके, कितने लोग पहुंचे, तो आपको बताना है कि 2+5 कितना होता है। आ गया, जो लोग इसका आंसर बताओगे, देखो जो लोग यहां तक पहुंचेंगे उनको तो पता चलेगा कि मैंने 2+5 पूछा है। अगर आप 2+5 का आंसर बताते हो कमेंट सेक्शन में, समझ जाएगा आप वीडियो के एंड तक पहुंचे हो। अगर पहुंचे हो तो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, हर एग्जाम में ऐसे आग लगाते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, अच्छा क्वेश्चन पेपर, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you.